हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जेडमी रिडिफाइनिंग एजुकेशन पे। इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि आखिर लॉकडाउन क्यों किया गया, इसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या है, आखिर भारत क्या करने की कोशिश कर रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इस लॉकडाउन को लगाने के पीछे। तो जैसा कि आपको पता है कि 24 मार्च 2020 रात्रि 12 बजे से ये लॉकडाउन कर दिया गया है इंडिया में अगले 21 दिनों के लिए। और इन्होंने ये पोस्टर पोस्ट किया था, सबको ये दिखाया कि देखिए कोई रोड पर ना निकले, कोरोना डायरेक्टली आपको बोल रहा है कि कोई रोड पर ना निकले, तो ऐसा ही आप फॉलो करें। आखिर ये क्यों कह रहे हैं ऐसा बात? तो देखिए, मैं जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो उसके पास ये देखा गया कि वो फैक्टर उनका जो निकल के आया साइंटिस्ट के अनुसार कि एक इंसान जो इन्फेक्टेड है, संक्रमित है, वो अगले 5 दिनों में लगभग 2.5 लोगों को संक्रमित कर सकता है। अगले कितने दिनों में? 5 दिनों में। अगर यह दिन बढ़ा दिया जाए 30 दिन तक, यही सिलसिला जारी रहा, तो ये एक इंसान जो इन्फेक्टेड था, संक्रमित था, वो अगले 30 दिनों में लगभग 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। लगभग कितने? 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है एक इंसान। सोच लीजिए, एक इंसान जो इन्फेक्टेड था उन्होंने कितने लोगों को कर दिया? 30 लोगों को। तो अगर हम लोग लॉकडाउन करते हैं, लॉकडाउन अगर हम लोग कर देते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप समझिए कि अपने आप को 50% भी रिस्ट्रिक्ट कर पाते हैं बाहर जाने से, लोगों से मिलने से, तो उस केस में क्या होगा कि आप जो ये 5 दिनों में 2.5% को इन्फेक्ट कर रहे थे, यह संख्या घट के 1.25 हो जाएगा, मतलब आधी हो जाएगी, और आप 30 दिनों में महज 15 लोगों को संक्रमित कर पाओगे। अगर आप अपने आप को 50% भी रोक पाए, आप देखिए कितना घट जाता है ये संख्या। पहले कितना था? 406, और घट के कितना हो गया? 15, महज आधा अपने आप को रोक लेने से। अगर आप इस चीज़ को और बढ़ाइएगा, अगर अपने आप को और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर पाते हैं, अपने आप को घर पे और ज़्यादा रोक पाते हैं, लोगों से मिलने जुलने से आप अपने आप को रोक पाते हैं, अगर 75% भी अगर आप रोक पाते हो, तो महज आप 30 दिनों में 2 से 2.5 लोगों को ही इन्फेक्ट कर पाओगे। तो ये कितना अच्छा फिगर है, और यही करने की कोशिश यहाँ पे किया जा रहा है लॉकडाउन का इम्प्लाई करके। लॉकडाउन लाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि कम से कम लोगों से मिला जाए, कम से कम लोग इन्फेक्ट होंगे। क्योंकि देखिए, आप जानबूझ के किसी को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, कोई भी जानबूझ के किसी को संक्रमित नहीं करेगा, लेकिन इस बीमारी COVID-19 में एक ऐसा चीज़ देखा गया है कि इसका मैच्योरिटी पीरियड है 14 डेज। अगर आप आज संक्रमित हो गए तो आपको तुरंत सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे, लगभग 14 दिन लग जाता है इसको शो करने में सिम्टम्स, कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो अगर आप आज इन्फेक्टेड हो गए तो उस 14 दिनों के दौरान आप कितने लोगों से मिलोगे, अनजाने में ही उन लोगों तक ये संक्रमण फैलता रहेगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि अगर आप इन्फेक्ट हो गए तो सपोज कीजिए कि आप घर पर रुके रह गए, तो महज आप 1 से 2 लोगों को इन्फेक्ट कर पाओगे, इसके बावजूद कि आपको पता नहीं था। अगर आप बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हो फ्रीली, तो आप लगभग 406 लोगों को 30 दिन में इन्फेक्ट कर सकते हो। तो इस चीज को कम करने के लिए ये लॉकडाउन किया गया है। तो ये लॉकडाउन करने के पीछे का स्ट्रेटजी क्यों है, आखिर 406 लोग रह जाते तो क्या हो जाता? तो इसके पीछे का देखिए लॉजिक मैं बताने की कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए कि एक दिन में ये जो संख्या बढ़ रहा है मरीजों का, केसेस का, वो ये हम लोग समझते हैं कि इस डायरेक्शन में ये शो कर रहा है मरीजों की संख्या, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको पता होगा, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। किसी भी पैंडेमिक देखेंगे, कोई भी पैंडेमिक रोग ऐसा आया है, कोई भी केस पहले भी आया है, तो उसका ऐसा देखा गया है कि वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, राइट। एक्सपोनेंशियली मतलब ओवर द वर्ल्ड बहुत ही कम समय में काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने को मिल जाता है। और कभी कभी कोई ऐसा पैंडेमिक भी है जो कि कम मतलब धीरे से बढ़ता है, काफ़ी दिन लग जाता है नंबर ऑफ केसेस बढ़ने में। जैसे कि 2000 केस बढ़ने में अगर कोई पैंडेमिक है वो 2 दिन ले रहा है और कोई 10 दिन ले रहा है, तो वो एक जो 10 दिन ले रहा है उसको हैंडल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए उतना हैंडल करने के लिए अवेलेबल है। अब हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास जो एक दिन में लोगों को हैंडल करने की जो क्षमता है, कि एक दिन में सपोज हम लोग 100 लोगों को देख सकते हैं, हमारे पास इतना सामान है कि हम लोग एक दिन में 100 लोगों को रख सकते हैं, हमारे पास 100 बेड अवेलेबल है,
रफली हम लोग बात करते हैं हमारे पास कितने बेड अवेलेबल हैं, 100 बेड हमारे पास अवेलेबल है, इनको मेडिसिन देने की क्षमता हमें है अवेलेबल, हमारे पास वेंटिलेटर इतना अवेलेबल है। अब कोई पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, ये हम लोग मान के चलते हैं 100 का आंकड़ा है, ठीक है, ये जो है हमारा क्षमता है हेल्थ केयर का, ओके। तो अब क्या हुआ, पैंडेमिक में केसेस बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ तक तो हम लोग हैंडल कर ले रहे थे, राइट, यहाँ तक हम लोग हैंडल कर ले रहे थे, लेकिन जैसे ही ये बढ़ना स्टार्ट हो गया, ट्रांसमिशन और ज़्यादा तेज होने लग गया, तो देखिए इतना लोगों को तो हम लोग हैंडल कर पाएंगे, बाकी के लोग कहाँ जाएंगे, बाकी के लोग तो हम लोगों को इसको हैंडल करने के लिए चाहे एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ जाएगा, अगर हमारे पास इतना इकोनॉमी बेहतर है तो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी उसको बनाने में भी टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक कितना जान की नुकसान हो चुका होगा, कितने जानने जा चुकी होंगी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि ये जो संख्या बढ़ रहा है, इतना जो तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना सोशल डिस्टेंस बढ़ा देंगे, तो जो ये इतना बढ़ने के लिए, ये संख्या बढ़ने के लिए सपोज कीजिए ये 10 दिन लग गया, इसको 10 दिन लग गया 100 से लेकर के 1000 तक पहुंचने में, तो हम लोग 100 लोगों को तो कर पा रहे हैं, लेकिन 900 लोगों को हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, 10 दिन लग गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सोशल डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं, अपना सोशल डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं, लोगों से ट्रांसमिशन कम हो जाएगा, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाएगा, तो केसेस क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। देखिए अब ये क्या हो गया इस केस में कि हमारा हेल्थ केयर, हमारा फैसिलिटीज़ कितना है, इतना अवेलेबल है मेरे पास 100, और केसेस मेरा पर डे कितना हो जा रहा है, घट के लगभग 50 ही, मैक्सिमम से मैक्सिमम 80 जा रहा है, 80 मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जा रहा है। तो क्या होगा इस केस में, क्या होगा कि हम लोग डेली मरीजों को अपने पास रख पाएंगे, उनका केयर कर पाएंगे, ठीक है। ऑल दो नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, लेकिन समय ज़्यादा लगेंगे, समय ज़्यादा लगेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, तब तक नए बेड्स अवेलेबल करवा सकते हैं, नए किट्स अवेलेबल करवा सकते हैं, ताकि जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसके अनुसार हम लोग बेड को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर लोग फ्रीली घूमना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये संख्या जो 10 दिन में बढ़, ये जो 10 दिन में ही हो जाएगा, जो यहाँ पे लगभग 100 दिन लग रहे हैं इतना बढ़ने के लिए, यहाँ पे उससे कई गुना बढ़ने के लिए मात्र 10 दिन में बढ़ जाएगा, और हमारा पूरा का पूरा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा, लोगों की जाने जाना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लोग मरने लगेंगे, तो उस केस में हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाएगा। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, ताकि ये कर्व को और ज़्यादा सपाट बनाया जा सके, इसको फ्लैट किया जा सके, हम लोग इस लॉकडाउन को ला रहे हैं। तो इससे दो चीज़ें फ़ायदा होंगे, दो फायदा क्या होगा कि देखिए, अगर मरीज की संख्या बढ़ने में ज़्यादा समय लग रहा है, तो जैसा मैंने बोला कि हम लोग हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ा सकते हैं, तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं, जैसा चाइना ने किया, 2 हॉस्पिटल्स उसने नए बना दिए, नए बेड्स ला सकते हैं हम लोग, वेंटिलेटर्स लगा सकते हैं वहाँ पर, और साथ ही साथ इस पैंडेमिक का इलाज ढूंढने के लिए हमें प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। हम लोग को अगर एक साल लग जाता है, सपोज कीजिए कि एक साल तक ये पैंडेमिक नहीं ख़त्म हुआ, केसेस आ ही रहे हैं, तो ये जो एक साल का जो समय होगा, उस समय तक हम लोग इसका कोई वैक्सीनेशन निकाल लेंगे। तो एक फ़ायदा ये भी होगा कि भले ही वो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आएगा, कुछ केसेस हर डे रहेंगे, डे बाय डे रहते रहेंगे, लेकिन उसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो हेल्थ केयर जो अवेलेबिलिटी है उससे कम केसेस रहेंगे। और साथ ही साथ अगर एक साल लग जाता है, दो साल लग जाता है, तो उस केस में हमारे पास वैक्सीनेशन भी अवेलेबल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये लॉकडाउन क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक यही है कि ये जो कर्व है, जो मरीजों की संख्या का ये जो कर्व है, जो इतना ज़्यादा खड़ाव है, इसको सपाट किया जा सके और इसको ऐसे बनाया जा सके ताकि जो हमारा ये क्षमता है हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का, इससे नीचे रहे मरीजों की संख्या, और हमारे पास इतना समय मिल जाए कि हम लोग उनके लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाएँ और कोई नई दवाई का खोज कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा कि आखिर इसका लॉकडाउन के पीछे का पैटर्न क्या है। लॉकडाउन का पीछे का जो मकसद है, लोगों को परेशान करना नहीं है, लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए सोचना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।